जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में, है ना, काम हमारा शुरू हो रहा था तो सामान वगैरह भी हमने सब जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। कुल्लू की तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर वाला भी सब ठीक है। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो बीमार बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। तो आज जो ना हमारे घर का जो ना काम शुरू हो गया, तो अभी जो ना मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि जो ड्राइवर हैं खाना खाएंगे ना, ड्राइवरों के लिए उठा रहे हैं, घर डाल रहे हैं जी, उनके लिए। हाँ उनके लिए बना रही हूँ खाना। तो शायद सब चिकन भी ले आए हैं, मैंने रेडी भी काम किया, हम इंडियन रोटी भी बना के ले आई है। देखे सारा जना हमारा रेडी है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह दीवा जबरदस्त, चिकन रेडी हो गया है जी, रोटी भी बन गई है। रोटी भी बन गई। अच्छा बस देनी है अभी मेहमानों को, देनी है। कंजरे वगैरह भी न्यू निकाल लिए हैं। आपने बाहर देखा है कितनी मिट्टी आई हुई है? हाँ थोड़ी सी मैंने बाहर डाला है। चलो सही से नहीं देखा, जब जाएंगे ना ट्राली वाला के बाद में देखेंगे। अच्छा कैसा माहौल लग रहा है। सही, चलो बर्तन वगैरह निकालो, सालन बन चुका है। चलो ठीक है, बर्तन वगैरह निकालो। दूसरे कमरे में हर चीज रेडी है। अच्छा मैं सारा लेके आ रही हूँ। हाँ जना मैं पहनना चाहती हूँ तो आप ले जाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो है रेडी हो चुका है। ऐशा जो है अभी देना शुरू कर रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है एक डोंगा ले आए हैं, हमने कहा इसमें जो है डाल कर ले जाएंगे उधर, फिर एक हमें चम्मच दे देना उस सफील से, ठीक है? फिर हम जो है क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खाना खिलाएंगे, पानी लेंगे ना। नहीं नहीं चम्मच बड़ा होगा ना, उसमें डाल डाल के देते जाएंगे। हाँ पाओ पाओ पाओ, फुल कर दो डोंगा। उतार दे तुमको। हाँ ते आलू भी पाओ ना, अक्सर खाना है खाना अक्सा। बस 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 बस, कम होगा तो फिर उठा देंगे। हाँ जी हाँ, ये वाला इसको वॉश कर लो, ये वाला ठीक है। हाँ जी लगा देते हैं ढकना। हाँ जी, और रोटियां कहाँ हैं अम्मी? और साथ में ये कटोरियां, छोटा चम्मच तो लेना है ना साथ में। चम्मच क्या करें वाला? वो मैंने उससे उठवाया है, इसको वॉश किया है कटोरियों को। कटोरे हाँ वॉश है। हाँ काश कर लो ना इनको वॉश, काट देती हूँ। हाँ ये वॉश कर दो, और उधर से बड़ा चम्मच अम्मी रोटियां जो है ये उठाई हुई है। और साद कहाँ है? साद को बुलाएंगे, अकेला मैं कैसे ले जाऊंगा इनको। बहन है, पानी इधर रखा हुआ है? हाँ थोड़ा ये सर ठंडा डाल देना, थोड़ा गरम, मैं उसको बुलाता हूँ फिर वो ले आएगा। सही। हाँ जो चीज़ मैंने उठानी है वो मुझे दे दें, वो मैं जो है वो ले जाऊँ, उनको दे कर आऊँ, फिर साथ को वहाँ से बुलाता हूँ, वो फिर पानी ले जाएगा। ठंडा बना के देना, दो तीन गिलास भी देना, ठीक है? दो गिलास दे रखे हैं, दो रखे हुए। चलो फिर ठीक है। जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में, है ना, काम हमारा शुरू हो रहा था तो सामान वगैरह भी हमने समेट लिया था मछला से। वो ट्राले भी काफ़ी लेट हो गई थी, आज जो ना मछला से हमारी जो ना मिट्टी डाल गई है, वो तोड़ सारा खड्डा जो ना फुल हो गया है, कंप्लीट हो गया हमारा काम, कंप्लीट हो गया। हम सराकी में कहा है खड्डा फुल हो गया है। खड्डा फुल नहीं होता। हाँ मतलब ये हमारे घर पे जो सारा जो है वहाँ पे वो था, निज़ाम खराब था ना, वो सारा जो है वो सेट हो गया है जी बिल्कुल। हाँ जी सुबह जाना, सुबह सुबह जब हम उठे हमने कहा ऐसा लगता है जैसा हम हल वाले जमीन में चल रहे हैं। हल वाले जमीन में। हाँ क्योंकि टिब्बे रखे हुए थे जी, टिब्बे रखे हुए थे। और जना सुबह अभी जना ट्रैक्टर आया है तो इसको सीधा वगैरह किया है, तो अभी जना छुट्टी करके चले गए। नहीं नहीं छुट्टी नहीं की अभी, वो वहाँ से उठा रहे ना, किसी और की उठा रहे ना, हमारे घर की मतलब पूरी हो गई है, हमसे तो छुट्टी ले लिया है ना उन्होंने। हाँ हमसे छुट्टी ले ली जी। तो माशाल्लाह से अभी थोड़ी थोड़ी खड्डियाँ खोड़ा रहती है, ये भी हम सेट करेंगे। आज ऐशा का जो है किचन भी उसमें मट्टी के नीचे आ गया है। किचन मेरा बिल्कुल जो ना वो इसके नीचे आ गया मट्टी के, और चोल भी पुरी गई है। हाँ तो इसलिए जो ना यहाँ पे हमारा किचन था, चोल भी हमने न्यू बनाई थी वो भी खत्म। तो इंशाल्लाह और बनाएंगे न्यू किचन, और बहुत ही प्यारा किचन बनाएंगे। हाँ जी जी, और घर का निज़ाम जो है वो सेट करेंगे जी, घर का निजाम। हमने कहा जब जगह बनवाएंगे उससे पहले जो है हमें मिट्टी डलवानी चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि कम से कम एक साल छः महीने पहले जो है मिट्टी डली हुई हो ना, फिर वो बैठ जाती है, जगह जो है पक्की हो जाती है। फिर इसको सीधा वगैरह जो है वो करना है अभी, क्योंकि कुछ सीधी हुई पड़ी है और कुछ जो है वो अभी सीधी नहीं हुई, क्योंकि निज़ाम जो है वो आउट हो गया है। हाँ, निजाम सारा सब, ये दीवार तो हमें जो ना छोटी हो गई है, और यहाँ वाली दीवार तो बिल्कुल खत्म हो गई है। कौन सी वाली? ये साथ वाली चाचू जान बिहार वाली दीवार। अच्छा तो बिल्कुल
सारी मट्टी आ गई, बच गई है सारी, आपको पता है मट्टी आ गई है। तो अभी ये दीवारें भी दे दें, अभी आप ऊंची हो गई हो सबसे। अच्छा हाँ, अभी इधर से स्कूल को भी सामने देख सकती हो आप, सामने टीचरों को। मैं कह रही हूं, मैंने कहा टीचर हैं तो वैसे जो ना हम भी देख सकते हैं, हम भी टीचरों को देख सकते हैं। हाँ। जो सर आते हैं, अफसर आते हैं, साथ में गार्ड भी है, अब वो क्या खड़ा है, चपरासी है, तो वो आता रह जाता रहता है। हम तो दीवार यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची करें, उसको कहा था मैंने, उसने कहा जब आप मट्टी डलवाओगे हम ये काम जो है मुकम्मल करवा देंगे आपको। अच्छा। ये पूरी दीवार दोबारा जो है रिपेयर करवा देंगे आपको, ये ऊंची हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ तो और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सारी मट्टी जो है डल चुकी है। अभी ये बहुत ज़्यादा ऊंची थी, ये भी बिल्कुल सेट हो गई है, मतलब झिक्की थी ज़मीन। और नलका जो है वो हमारा थोड़ा सा नज़र आ रहा है जी, ना नलका पुरी गया था, खाड़ा बिल्कुल पुरी गया था। फिर अबू जान ने कही उठाई तो यहाँ पे देखे सारी जो है ना वो खड्डा हटा ले, मिट्टी हटा लिया था। हाँ। तो ट्रैक्टर है अभी, क्योंकि अभी हम जब अभी हम अपना घर वगैरह जो सेट करेंगे ना। हाँ। तो हमें आसानी होगी जी, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो सीधा जो है वाटर में जाएगा। ऊंची जमीन है, मतलब सही हो गया है जी, बिल्कुल निज़ाम सही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो जाते थे ना फिर। हाँ। गंद पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। अभी सारा जो है प्लाट अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया है। अभी हमने नलका भी बनवाना है और अपना वॉशरूम वो तोड़ना है, क्योंकि वो तो बिल्कुल गिरा हुआ है ना, वो तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, मट्टी भी डाला है, सही नहीं है, वो तो चीरा हुआ है सारा। हाँ, अभी इसको तोड़ कर जो है उस साइड पर ले जाएंगे, वो जहाँ दरख्त हैं, ठीक है। अभी आप किचन अपना कहाँ बना रही हो अभी के लिए? अभी किचन, अभी जो खाना बनाओगी, सेटिंग वगैरह करोगी। हाँ। तो कहाँ बनाओगी? रुक यार, मैं बैठी थी ऐसे जो ना गपशप लगा रही थी, मैंने कहा रुक यार किचन कहाँ बनाए, रुक यार, तो हंस के कहा कि यहाँ आधर में बना लें, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो ना पक्की हुई पड़ी है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, वैसे मैं हंसी मजाक में कह रहे थे, वैसे किचन मैंने वहाँ पे बनाना जहाँ पे जहाँ हमारा था किचन। आपकी मर्जी, यहाँ बना लो, क्या हो गया, यहाँ बना लो। हाँ, इधर बैठ के खाना बना लो, जहाँ दिल करे वहाँ बना लो। वो चूल्हे को पूरेंगे ना। हाँ। अम्मी आ जा, फिर उससे जरा कुछ करते हैं, गपशप लगाते हैं, उससे पूछेंगे किचन जरा कहाँ बनाना है, फिर वहाँ पे बनाएंगे। अच्छा। हाँ। चलो आ जाओ फिर, मामू और शाद भी आ गए हैं, अम्मी और साद जो है हड़ताल काट के भी आ गए हैं। हाँ जी। पता नहीं साद अकेला आया है, साद हड़ताल रख के फिर चला गया, पता नहीं, कोई पता नहीं है। अच्छा। हाँ। चलो अभी आपका क्या प्लान है, यहाँ पे किचन बना ले? यहाँ कच्ची मट्टी है, अभी मैं सीधी कर रहा था इसको कहीं उठा कर ना जी। हाँ चलो आ जाए, अम्मी से फिर पूछते हैं जहाँ पे बनाना होगा, फिर वहाँ पे सेटिंग करेंगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मौतम? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या चिपकाया हुआ है, धागा चिपका हुआ है? अभी काम से आ रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मामू जान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुबारक। कैसा? बहुत-बहुत मुबारक हो यार। खैर मुबारक। घर का काम शुरू हो गया। हां, घर का काम शुरू करवाया है, ट्रालियां लगवाया, मिट्टी डलवाई है। चलें यार, कुछ ना कुछ इजाफा हो गया। इजाफा हो गया, बिल्कुल सही बात है। बेहतरी हो गई है ना? बहुत ज्यादा बेहतरी हो गई, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बेहतरी हो गई है। ये है कि पहले पानी बारिश वगैरह का यहाँ रुक जाता था, मच्छर होते थे, अब चलो उससे कुछ वो आ जाएगा। हाँ। फायदा हो जाएगा। नहीं, वैसे भी साफ सुथरा हो जाएगा जब ये मट्टी डल गई ना, अभी साफ सुथरा हो गया ना पूरा वहाँ तक, ये सीधी हो जाएगी ना, लेवल हो जाएगा ना जब, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा जबरदस्त। हाँ जी। और बाकी सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे पानी शानी पिए, खाना वगैरह खाते हैं। खाना अभी अभी काम से आ रहे हैं? मैं अभी काम से आ रहा हूँ। अच्छा। अभी छुट्टी हुई है दिहाड़ी से। अच्छा। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, चलो मैं क्या होता, चलो सही है, अच्छा किया है बहुत। चलो हमारा काम तो देख लिया कैसे हो रहा है। हाँ, माशाल्लाह बहुत ही। दूसरा दिन है यहाँ से काम हो रहा है, हम तो फ्री भी नहीं हुए ना, बहन भाइयों के साथ वीडियो शेयर की है। अच्छा। दूसरे दिन से क्योंकि मसरूफ थे, एक तो ट्राली वाले आ जा रहे थे, शोर भी बहुत ज्यादा था। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए तो हमने कहा चलो आज जो है थोड़ा फारिग हुए हैं, तो मैंने कहा बहन भाइयों के साथ वीडियो भी शेयर कर दें, जो हमने ये काम जो है करवाया है एक दिन में, दो दिन में बल्कि। चले माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुशी हुई यार। हाँ जी। और ये भी है कि अभी हमें आप टाइम दें, हमें खूबसूरत सा किचन बना के दें, और हम जगह कोई चूज करते हैं तो पहले इसका लेवल निकालें, इसको साफ सुथरा करें। अच्छा। फिर ये थोड़ा मिट्टी पानी वगैरह लगेगा ना। हाँ। नीचे ये पक्की हो जाएगी। हाँ। फिर जैसी तरतीब होगी इंशाल्लाह बनाएंगे। और मैं। अच्छा। भी उधर
मेरा काम थोड़ा रह रहा है अभी हाँ। तो वहाँ से मैं भी फ्री हो जाऊँ। अच्छा फिर इंशाल्लाह हाँ। कच्ची मिट्टी है या कुछ बैठेगी पक्की हो जाएगी ना, फिर जो उतारेंगे किचन फिर वो जाना। बस ये दो दिन लगेंगे इसको, सिर्फ सीधा कर लें सेट कर लें पूरा ना, फिर पानी शानी लगाएंगे ये खुद ब खुद जो है वो बैठ जाए। यहाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे नहीं, ये वैसे गीली मिट्टी है, जैसे पानी लगता जाएगा ये बैठती जाएगी, पक्की हो जाएगी। हाँ जी, वैसे भी ये पक्की मिट्टी है हाँ। मिट्टी हमारे यहाँ दो किस्म की होती है ना हाँ। एक रेत वाली होती है, रेत वाली मिट्टी होती है, वो जो ही धूप लगे हाँ। दोबारा से धूल बन जाती है। बिल्कुल, ये पक्की मिट्टी है, ये जम जाएगी। बिल्कुल जम जाएगी। यहाँ से जो है मिट्टी उठा रहे हैं, यहाँ से जो है ट्रैक्टर जा रहा है मिट्टी उठाकर, और सामने ट्राली जो है खड़ी हुई है वहाँ तक पहुँचाएगा ट्राली भर के जो है, फिर जो है वो घर में डालेंगे। काफ़ी सारा जो है यहाँ पे खड्डा लगाया हुआ है, वैसे ये सीधी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे घास वगैरह उगाते हैं, तो इसलिए ये फिर जो है सीधी करवा के फिर जो है घास वगैरह का उगाएंगे। माशाल्लाह अम्मा जान भी आ चुकी है और हर दाल काट के ले आई हो हाँ। अच्छा अच्छा, और हम जो है सब्ज़ी बना रहे हैं, अम्मी जान जो है सब्ज़ी काट रही थी आलू और धनिया, और इधर जो है ऐशा काट रही है गाजरें हाँ, पीले सूट वाली गाजरें काट रही हो। किचन का क्या सोच रही थी, मैं सोच रहा हूँ किचन की जो है साइड पे कहीं बनाओ, और खाना जो है जब बनाएंगे मैं आपको ईंटें वगैरह रख के चूल्हा बना देता हूँ। सिनी तो नहीं भाबल दी, सुकी पे, सुकी पे जलेगी सिन्नी, मट्टी पे नहीं आग जलोरा है कहीं, मैंने उठाई है, देख रहा था अभी हमारी चूल कहाँ पे है, फिर वो नजर नहीं आई कहीं पे, हाँ चलो थोड़ी थोड़ी बची लगी, वैसे है तो थोड़ी थोड़ी नहीं, ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा है ना, मैं कहता हूँ वो टूट टूट ना गई हो, चूल के ऊपर व्हील आया है ना ट्रैक्टर का, तो वो टूट गई होगी, पक्की से कच्ची नहीं। अच्छा पक्की है। चलो देख लो, अगर है तो फिर उधर भी बना लेते हैं। देख रही हो। कैसे रुकिया, क्यों हंस रही हो तुम, बहस कर रहे हैं ना इसलिए अम्मी पे बातों पे। अच्छा अच्छा जी, अम्मी जान जो है वो भूतरे जो है वो रंगाई कर रही है, माशाल्लाह चेक करें, ये भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं और इधर भी रखे हुए हैं। आज जो है अम्मी जान ये भूतरे रंगाई कर रही है, क्योंकि अम्मी ने कहा कि अभी जो है सर्दियाँ आ रही हैं तो माहौल जो है अच्छा होगा, तो मैं छापे बांधूंगी, छापे चारपाई की तड़िया, चारपाई की तड़िया हाँ। अच्छा जो ऊपर डालते हैं वो वाली हाँ। वाह जी वाह, ये अभी जो है सावा रंग हुआ हुआ है, पहले जो है अम्मी ने लाल कलर का जो है वो भूतरे रंगाई की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओ ओ ओ ख्याल 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 ख्याल, और ये देखे ये जो है रंगाई की है पहले लाल वाले, तो अभी जो है अम्मी ने किए हैं सब्ज़ वाले, ये सब्ज़ है, सब्ज़ है या और कलर है, ये सब्ज़ है ना, कितने कलर हैं टोटल, तीन कलर हैं, और कौन सा है, सुरमई नीला, नीला हाँ। अच्छा वाजवा, ये बहुत जब रंगीत जाते हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं, और रंगाई का तरीका भी ऐसे है, पानी डाल के कोई ऐसी चीज़ हो जो मतलब आग पे चढ़ा दो, जैसे ये तगारी है इसको चढ़ा दिया आग पे, ये भूतरे डाल दिए, और देखना अभी ये देखें ये जल भी रहे हैं ना हाँ, नहीं नहीं जलेंगे, जलेंगे नहीं, कैसे जलेंगे, अच्छा हाँ। सिर्फ इनका कलर होगा बस हाँ। अच्छा ये वो सब बस है, अम्मी को सारे तरीके जो है वो आते हैं, बिल्कुल सारे तरीके, सारे तरीके हैं चार पाइयां की तड़िया जो ऊपर बिछाते हैं ना हाँ। हथड़े हथड़े हाँ। वो जब तक वो ना बिछाओ तो सर्दी लगती है, सर्दी लगती है वाकई हाँ। क्योंकि चार पाई के नीचे जो है वो जो वाण होता है ना उसमें सर्दी आती है रात को ना हाँ। ये देखें कलर खत्म हो गया,
कलर कलर और डाले माशाल्लाह। रुकिया चूल मिल गई है आपको, ढूंढ ली जी। अच्छा आज का दिन है, कल इंशाल्लाह चूल जो है फिर न्यू बनाएंगे। वो धनिया का ख्याल रखो, धनिया धनिया गिरा हुआ है, हाँ इसका ख्याल रखो क्योंकि आज जो है न्यू न्यू मिट्टी डाली है ना, तो इसलिए दो तीन दिन तक ये जो है पक्की हो जाएगी। हाँ चूल सही बने रखी हुई थी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा वाह जी वाह, फिर तो अच्छा हुआ। मैंने समझा था कि टायर आया होगा टूट गई होगी, लेकिन ये पक्की ईंटें थी ना उसकी वजह से नहीं टूटी है ना। मैं निकाली थी। अच्छा हाँ। आपके भूतरे भी सूख गए हैं? हाँ। अच्छा सुबह पुसाओगी तो बांध होगी। हाँ। बकरियां बाहर खड़ी हुई हैं सारी अपनी? नहीं हाँ। दो उधर खड़ी है, नहीं कहो खड़ी है। अच्छा मैं तो कहता हूँ उसको सबको ना एक जगह पे खड़ी, जब अभी बाहर ना खड़ा करो क्योंकि रात होने वाली है ना अभी। अभी चार पाई जो है उधर ट्रैक्टर वालों के पास पड़ी हुई है एक, क्योंकि वो जो है उधर अभी मिट्टी उठा रहे हैं किसी और की। हमारी तो मुकम्मल हो गई है, वो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, अगर वो फ्री हैं तो फिर वो चार पाई भी ले आता हूँ वहाँ से ना। ठीक हाँ। रुकिया आज रुकिया खाना बना रही है? हाँ। आज रुकिया को टाइम दे दिया? हाँ। उसको कहा आप बनाओ? हाँ, माया टाल गूंद लिया। अच्छा आप रोटी बनाने जा रही हो? हाँ। चलो शुक्र है रुकिया, अभी आपका टाइम आ गया है। अभी आप खाना बनाओगी। खाने में जो है क्या बना रही हो, गाजर और आलू जी? अच्छा गाजर। रिश्तेदार और गाजर जी। माशाल्लाह दिखाओ, ये देखें जी रिश्तेदार और गाजर जो है बन रही है। रुकिया ने हिम्मत की है यहाँ से चूल जो है वो निकाली है, क्योंकि न्यू बनाते ना तो टाइम लगता ना जी। काफ़ी टाइम लगता। तो शुक्र है ये निकल आई है, तो हमारा जो है खाना आज का जो है यहाँ बन जाएगा जी। ये ना सुबह फिर देखी जाएगी जी, सुबह के सुबह देखेंगे। हाँ जी।